गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों मैं योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी लव मोदी केयर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी केयर की एक बहुत ही खास इनकम के बारे में, जिसको कहते हैं APB बोनस, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों ये मोदी केयर के सिस्टम के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है आप सबको इनकम देने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप यहीं से होता है। हम लोग मोदी केयर में जुड़ जाते हैं, सामान भी लेते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते भी हैं कि मोदी केयर बहुत अच्छा पैसा देती है। मोदी केयर पैसा कैसे देती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें APB बोनस समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना आपको समझाने की कोशिश करी है। आइए दोस्तों अब APB बोनस देखते हैं किस तरह से हमें मिलता है। दोस्तों APB बोनस समझने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है, बिजनेस वॉल्यूम और ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, BV और GBV। दोस्तों मोदी केयर के अंदर एक बिजनेस वॉल्यूम की कीमत लगभग 2 रुपये मानी गई है। इसी तरह से अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं तो उसकी कीमत लगभग 200 रुपये होती है। यदि 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो गए तो इसकी कीमत लगभग 2000 रुपये होती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, जैसे मोदी केयर के अंदर कुछ स्लैब रखे गए हैं, जैसे 7%, 10%, 13%, 15% और 16%। जब हम 7% पे होते हैं तो हम कंसल्टेंट होते हैं, जब 10% पे होते हैं तो सीनियर कंसल्टेंट, 13 पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र, 15 पे सुपरवाइज़र और 16 पे डायरेक्टर हम बन जाते हैं इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों देखो 7% पे जब हम होते हैं तो हमारा बिजनेस वैल्यूम 27 से लेके 8126 तक रहता है, और उसके बाद हम 10 पे आ जाते हैं और जो बिजनेस वॉल्यूम 10 पे रहता है वो होता है 8127 से लेकर 32426 बिजनेस वॉल्यूम तक, और 13 पे जो रहता है वो रहता है 32427 से लेकर 72926 बिजनेस वॉल्यूम तक, और 15 पे जो बिजनेस वॉल्यूम रहता है वो 72927 से लेकर 108026 बिजनेस वॉल्यूम तक रहता है। और इसको हम जैसे ही क्रॉस करते हैं 108027 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर अबव, हम 16% पे आ जाते हैं और कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं। दोस्तों जब 16% पे हम पहुंचते हैं, मतलब जब डायरेक्टर बन जाते हैं, तो हम मोदी केयर से और भी कई तरह से इनकम लेने के हकदार हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, आज हम समझेंगे सिर्फ APB बोनस किस तरह से मिलता है। आइए दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए पहला महीना, दोस्तों यहाँ पे आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया और आपने एक छोटी सी टीम भी बनाई ABCD, आपने 3-4 लोगों को अपने साथ जोड़ा और इन्होंने भी 1000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया, यानी इन चारों ने मिला के 4000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया और आपका था 2000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी आपका खुद का BV है 2000 और आपके टीम का और आपका मिला के यहाँ पर हो जाता है 6000 बिजनेस वॉल्यूम। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कमीशन कितना मिलने वाला है। यहाँ पे आप 7% पे हो तो आपने बिजनेस वॉल्यूम करा 2000, तो 2000 का 7% यानी 140 रुपये ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये आपका 7% कमीशन है। अब देखते हैं आपकी टीम से आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि नज़र आ रहा है कि AB 7% पर, B 7% पर, C 7% पर, D 7% पर, ये चारों के चारों 7% पर और आप भी 7% पर हो, तो यहाँ से आपको इनका कोई भी कमीशन नहीं आने वाला, यानी कोई भी डिफरेंस यहाँ से आपको नहीं मिलने वाला। अब आइए दोस्तों दूसरा महीना शुरू होता है, दूसरे महीने में आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम का फिर से काम किया और आपकी टीम ABCD इन्होंने भी, A ने करा 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, B ने करा 2000 बिजनेस वॉल्यूम का, C ने करा 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, D ने करा 1500 बिजनेस वॉल्यूम का, आपका बिजनेस वॉल्यूम 2000 और आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 7500। यानी दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ हमारा पिछला बिजनेस वॉल्यूम जो था ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम वो था 6000 और इस मंथ का हो गया 7500,
अब इन दोनों को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, इसमें पिछला हुआ बिजनेस वॉल्यूम भी जुड़ जाता है। अब इन दोनों का बिजनेस वॉल्यूम जब जुड़ जाता है तो यहाँ आपका खुद का बिजनेस वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 13,500 हो जाएगा। इसकी सहायता से आप पहुँच जाते हैं 10% पे, और 10% पर पहुँचते ही आप नीचे वाली आपकी जो टीम है ए बी सी डी, ये चारों के चारों 7% पे हैं, तो इसमें से जो डिफरेंस होता है वो आपको मिलने वाला है। अब इन दोनों को अब देखते हैं, आप 10 पे हो, अब ये चारों के चारों 7% पे हैं, तो इन चारों से आपको 3-3% कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं आपको कितना मिलता है और आपकी टीम से आपको कितना मिलता है। दोस्तों आप हो, आपने बिजनेस वॉल्यूम के रहा 2,000 और आप हो 10% पे, तो इसका 10% निकलता है 200 रुपये जो आपको मिलेगा। और टीम ए से इन्होंने करा 1,000, इसका 3% मिलेगा जो होता है 30 रुपये। बी ने करा 2,000, इनका 3% मिलता है, ये है 60 रुपये। सी ने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करा, इनका 3% आपको मिलेगा जो है 30 रुपये। डी ने 1,500 बिजनेस वॉल्यूम करा, इनका 3% आपको मिलेगा जो है 4,545 रुपये। अब दोस्तों इन सबको टोटल करते हैं तो ये आपका टोटल कमीशन हो जाता है 365 रुपये। अब स्टार्ट होता है तीसरा महीना, यहाँ पे आपने 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया और आपकी टीम ने भी काम किया ए बी सी डी। ए ने करा 4,000 बिजनेस वॉल्यूम का, बी ने करा 2,000, सी ने करा 500 का, और डी ने कुछ नहीं करा। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ देखिए कि ए टीम ने भी काम किया और डी टीम ने काम किया। ए की टीम जो थी A1, उसने 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया, A2 ने 3,000 और A3 ने 2,000, A4 ने 4,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया। अब टीम सी ने खुद 500 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया और इसकी टीम C1 ने 500 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया। अब टीम डी ने अपना खुद का कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन इसकी टीम ने D1, D2, D3, D4 ने काम किया जो है 2,000, 2,000, 2,000, और D4 ने किया 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया। तो दोस्तों अब इसके साथ साथ जब इन लोगों ने काम किया तो ए टीम पहुंच जाती है 10% पर और डी टीम पहुंच जाती है 10% पर। अब ए है 10% पर, बी है 7 पे, सी 7 पे और डी 10% पे। अब दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं, आपका खुद का बिजनेस वॉल्यूम 3,000, आपके ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम उसको देखते हैं। ए टीम से आता है टोटल 16,000 बिजनेस वॉल्यूम, बी टीम से आता है 2,000 बिजनेस वॉल्यूम, और सी टीम से आता है 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, डी टीम से आता है 9,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब इन सब का टोटल देखते हैं दोस्तों कितना होता है, इनका टोटल हो जाता है 31,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब एक चीज़ और देखते हैं, पहला महीना जो था 6,000 बिजनेस वॉल्यूम हमने करा था, दूसरे महीने में 7,500 बिजनेस वॉल्यूम करा, और इस महीने का 31,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब इन सब का टोटल यानी 44,500 बिजनेस वॉल्यूम ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, जो हम इसको करते ही आप इसके अंदर 13% पे पहुंच जाते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे 32,426 जो 10% पे था उसको हमने क्रॉस कर लिया और हम पहुंच जाते हैं 13% पर। तो हमें यहाँ जो कमीशन अब मिलने वाला है वो 13% के हिसाब से मिलने वाला है। आपका यहाँ बिजनेस वॉल्यूम था 3,000, आप 13% पे हो तो 13% इसका आता है 390 रुपये। अब ए टीम से देखते हैं दोस्तों, ए टीम ने जो टोटल सबका सबने करा 16,000 बिजनेस वॉल्यूम, लेकिन ए जो है यहाँ 10% पे है तो आपको यहाँ जो डिफरेंस मिलने वाला है 3% मिलेगा 16,000 का, जो होता है 480 रुपये। अब टीम बी है, इसने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम करा लेकिन ये खुद 7% पे है तो इसका डिफरेंस आपको 6 मिलने वाला है, 6% इसका होता है 120 रुपये। सी टीम ने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया लेकिन ये खुद 7% पे हैं तो इसका जो डिफरेंस है 6% वो आपको मिलने वाला है, जो होता है 60 रुपये। अब डी टीम का देखते हैं दोस्तों, इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम इसने खुद ने नहीं किया लेकिन इसकी टीम ने काम किया, और इसकी टीम ने काम किया तो ये खुद भी 10% पे पहुंच गया।
तो इससे जो आपको कमीशन आएगा, इसका डिफरेंस आएगा, वो आएगा 3%, क्योंकि आप 13 पे और ये 10% पे पहुंच गया। इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम बनता है 9000 और इसका 3% आपको मिलेगा जो होता है 2270 रुपये। अब देखते हैं दोस्तों इनका टोटल कमीशन कितना हो गया, 390 प्लस 480 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 270, टोटल हो जाता है 1266 रुपये। तो इस महीने इनकी इनकम जो है 1266 रुपये हुई। आइए दोस्तों अब चलते हैं चौथे महीने में। चौथा महीना खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने खुद का बिजनेस जो काम किया है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया, आपकी ए टीम ने करा 20000 बिजनेस वॉल्यूम का, बी ने करा 26000 बिजनेस वॉल्यूम का, सी ने करा 3000 बिजनेस वॉल्यूम का, डी ने करा 10000 बिजनेस वॉल्यूम का। अब टीम ए जो है यहाँ 13% पर पहुँच जाती है, और टीम बी 10% पर, और टीम सी 7 पर ही रहती है, टीम डी वो 10% पर है। तो दोस्तों इस मंथ आपका 5000 बिजनेस वॉल्यूम है और आपका और आपकी टीम का टोटल 64000 बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ। अब एक चीज़ और देखते हैं, यह हमारा जो पहला महीना था वहाँ हमने 6000 बिजनेस वॉल्यूम का करा, दूसरे मंथ में 7500 का, और थर्ड मंथ में 31000 बिजनेस वॉल्यूम का, और चौथे महीने में 64000 बिजनेस वॉल्यूम का। अब इस सब को हम जब टोटल कर देते हैं तो ये हो जाता है 108500 बिजनेस वॉल्यूम। इसके साथ हम डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने डायरेक्टर लेवल वाला स्लैब भी पूरा कर लिया और हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे 16% पे। और आपकी ए टीम है जो 13% पे है, बी टीम 10% पे, ए टीम से हमें जो मिलने वाला है वो 3% मिलने वाला है, टीम बी से हमें 6% और टीम सी से हमें 9% और टीम डी से 6% कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा कमीशन कितना कितना बनता है। आपका खुद का 5000 बिजनेस वॉल्यूम है जो 16% पे है, इसका बनता है 800 रुपये, और ए टीम से जो जिसने 20000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया इससे हमें 3% मिलने वाला है, ये है 600 रुपये, और बी टीम से 26000 बिजनेस वॉल्यूम किया इसका डिफरेंस हमें 6% मिलने वाला है जो होता है 1560 रुपये, सी टीम से जिन्होंने 3000 का काम किया, 3000 बिजनेस वॉल्यूम का, इनसे हमें 9% कमीशन मिलेगा, ये होता है 270 रुपये, डी टीम से जिसने 10000 बिजनेस वॉल्यूम का काम किया तो, और ये है 10% पे, इनका कमीशन हमारा डिफरेंस बनता है 6%, तो इनसे हमें 6% कमीशन आएगा जो बनता है 600 रुपये। अब देखते हैं दोस्तों ये हमारा टोटल इस महीने का एपीबी बोनस कितना हो गया, ये होता है हमारा 3830 रुपये। अब एक चीज़ और नोट करने वाली दोस्तों कि हम यहाँ पे डायरेक्टर बन गए और हमने अपना जो एपीबी कमीशन मिला, हमें जो बोनस मिला 3830 रुपये मिला। दोस्तों हमारा टोटल बिजनेस पीजीबीवी जो था इस महीने का 64000 था, तो हमें जो डायरेक्टर पॉइंट मिलते हैं वो 6% मिलता है, जो 6% होता है ये होता है 3840। तो दोस्तों ये 3840 हमारे पॉइंट बन गए जो हमें बोनस के तौर पे 1.5 के हिसाब से मिलता है, ये अप डाउन होता है लेकिन फ़िलहाल हमें यही मिल रहा है। तो अब देखते हैं 3840 इंटू 1.5 ये बनता है 5760 रुपये, यानी आपका डायरेक्टर बोनस इसमें हमें जो मिलेगा 5760 रुपये, और आपका एपीबी बोनस जो था 3830 रुपये, तो ये टोटल हो जाता है दोस्तों 9590 रुपये। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को एपीबी बोनस समझ आ गया होगा कि मोदी केयर में हमें किस तरह से मिलता है। मोदी केयर में और कई तरह की इनकम जो मिलती है उसको जानने के लिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, धन्यवाद।